जल्दी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे एक चीज़ ऑमलेट जिसमें काफ़ी सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें चीज़ होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से इसे खा लेते हैं, तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। आप इसे स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर किए हैं। अंडों को तोड़ के हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है। आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं। इसे तब तक मिलाइए जब तक कि एग योक पूरी तरह से मिल ना जाए, तो हार्डली आपको आधे मिनट का समय लगेगा इसे मिलाने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग दूध। दूध डालने से ऑमलेट काफ़ी फ्लफी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 छोटी चम्मच के लगभग। इसके साथ ही यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जो कि सॉल्टेड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नमक ऐड कीजिए। मिला लेंगे सबको। अब बारी आती है सब्जियों को ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर और मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। सबको हम एग के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वेरिएशंस आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। दूध डालने के कारण ये थोड़ी सी पतली होती है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा एग मिक्सचर बिल्कुल तैयार है ऑमलेट बनाने के लिए। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए एक पैन गरम किया मैंने, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच के लगभग बटर। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। बटर को हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, पूरी तरह से नहीं, नहीं तो वो जलने लगता है। और मिक्सचर पोर करने से पहले उसे एक बार इस तरह से ज़रूर मिला लीजिए, नहीं तो ब्लैक पेपर पाउडर नीचे में बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसे हम डाल देंगे पैन में और इसे लगभग 10 सेकेंड तक पकने दीजिए। अब यहाँ पे हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे जो स्पेस बनेगा उसमें फिर से एग मिक्सचर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती हैं और इस तरह ऑमलेट बनाने से वो काफ़ी थिक बनती हैं। तो ये बहुत अच्छा टिप है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कुछ देर के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ये देखिए। और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही हैं, ये देखिए। और जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे एग मिक्सचर इस तरह से आ जाती है। तो लगभग आधे मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये नीचे से सेट हो जाएगा, तब आप इस प्रोसेस को करना बंद कर दीजिए और जो लेयर्स बनती हैं उसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। तो लगभग 1 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए, अब जो हम स्पेस बना रहे हैं उसमें एग मिक्सचर नहीं आ रहा है, यानी कि वो नीचे से सेट हो चुका है। तो अब इस प्रोसेस को हम नहीं करेंगे, अब इसे पकने देते हैं। लगभग आधे मिनट के बाद यहाँ पे नीचे से मैंने चेक किया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है और ये पक चुका है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे, तो यहाँ साइड्स को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और ये देखिए। अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया, अब वापस से पैन में ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, तो इसके लिए स्पैचुला से टूटने का डर रहता है, तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल किया है। अगर आप स्पैचुला से फ्लिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए। अब वापस से इसे पैन में रख देते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है यहाँ पे भी। अब हम इसमें चीज़ स्प्रेड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज़ लिए। आप कोई भी प्रोसेस चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ब्रिक जो मिलता है उसे ग्रेट कर लीजिए और फिर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे क्योंकि हमें इसे फिर से फ्लिप करना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1/4 कप चीज़ लिए मैंने और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। अब लगभग आधे मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे एक साइड पकने देंगे और फिर से फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा मिनट हो चुका है, तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो लगभग आधे मिनट के लिए दूसरी साइड भी पका लेंगे।
तो यहाँ पे आधा मिनट हो चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये आप टेक्सचर देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसे मैं काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से चीज़ मेल्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो चुका है, कितना कलरफुल लग रहा है। और मैं आपको नज़दीक से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आप ऑमलेट की थिकनेस देख सकते हैं, अंदर में इसकी लेयर्स आप नोटिस कर सकते हैं। तो वो जो टिप हमने फॉलो की थी उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप ऑमलेट बनाइए, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।